हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम सिंह, जैसा कि आपका 10th क्लास में जो टॉपिक है समास, उस समास टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे थे तथा टॉपिक समास के अंतर्गत हमने समास की परिभाषा, समास के प्रकार तथा समास जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, समास शब्द का अर्थ आदि का अध्ययन किया। समास जो टॉपिक है सम प्लस अस्पग्रह प्रत्यय, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है तथा हमने पढ़ा था पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं हमारे, वो समास हमारे होते हैं 4 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला पद अगर प्रधान है तो अव्यय भाव समास होता है, अगर दूसरा पद प्रधान है तो हमारा तत्पुरुष समास होता है, अगर हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं तो हमारा द्वंद्व समास होता है, और यदि दोनों पद ही प्रधान ना हो करके कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है तो हमारा बहुव्रीही समास होता है। जब भी हम समास टॉपिक पढ़ते हैं तो हम समास जो शब्द है उसका विग्रह करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उस समास जो शब्द है उसके अंतर्गत 2 पद होते हैं। पहला पद होता है ये और ये दूसरा पद। 2 पद जब स्थिति बनती है किसी भी शब्द में तो इन 2 शब्दों से मिलकर के एक तीसरा नया सार्थक शब्द का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, समास कहलाती है। इसके प्रकारों के अंतर्गत हमने जो पहला समास पढ़ा था वो था अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास जिसे हम पढ़ चुके हैं, अव्यय भाव समास जिसकी जो प्रमुख विशेषता मैंने बताई थी आपको कि अव्यय भाव समास के अंतर्गत आप प्लस वय अर्थात ऐसे समास जिसमें कि पहला पद क्या होता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है। जिन समासों में पहला पद मुख्य हो, प्रमुख हो, उपसर्ग से युक्त हो, वो समास हमारा अव्यय भाव समास कहलाता है, जिसमें हमारे संस्कृत के जितने भी 22 उपसर्ग हैं उन सभी 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है और हमारे 22 उपसर्ग के अलावा हिंदी के भी जो उपसर्ग हैं उन हिंदी के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है तथा अव्यय भाव समास में जो उपसर्ग आते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं, और अव्यय शब्द मैं पहले ही बता चुका था, अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात कैसी भी स्थिति हो उनको लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदला नहीं जा सकता है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है आदि ये जो होते हैं इन सभी को बदला जा सकता है, बदल जाते हैं लिंग वचन कारक काल के अनुसार, लेकिन आपका जो अव्यय होते हैं, अव्यय ये वे शब्द होते हैं जो जैसे हैं वैसे की वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि लिंग के अनुसार बदल दिया गया इनको या फिर कारक के अनुसार इनको बदल दिया जाए या वचन के आधार पर इनको बदला जाए, ये जिस स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं उसी के अनुसार ये होते हैं। इसके बाद में मैंने अव्यय भाव समास के आपको विभिन्न उदाहरण भी कराए थे, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको अव्यय भाव समास को
क्लियर कराया था। इसके बाद द्वंद्व समास जो दूसरा था हमारा टॉपिक, वो द्वंद्व समास आपको कराया गया था। उस द्वंद्व समास टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको द्वंद्व समास की परिभाषा अर्थात द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो समान महत्व के होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह को जब समान विग्रह किया जाता है तो और आदि इत्यादि अथवा या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत जो समास दोनों पद होते हैं वो समान महत्व और समान दृष्टि वाले होते हैं। ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको द्वंद्व समास की कराई थी। इसके बाद जो द्वंद्व समास के आपको मैंने प्रकार बताए थे, इसमें पहला प्रकार जो था वो था इतरेतर द्वंद्व, दूसरा जो प्रकार था वो था वैकल्पिक द्वंद्व, और जो तीसरा प्रकार था वो था समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये तीनों के तीनों प्रकार मैंने आपको उदाहरण सहित स्पष्ट किए थे। इतरेतर द्वंद्व दोनों जो पद आते हैं समान दृष्टि के महत्व वाले होते हैं, और का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक जो द्वंद्व बताया गया था उस वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि इसमें से दो पदों में से किसी एक का विकल्प करना होता है। समाहार द्वंद्व में आपको ये बताया गया था कि जो समाहार द्वंद्व होता है, जैसे इसमें एक उदाहरण बताया था मैंने चाय वाय, और भी इसमें कीड़े मकोड़े आदि जो उदाहरण बताए थे वो सभी का समाहार किया जाता है, अर्थात अन्य पदों का भी जिसमें साथ होता है मिले हुए होते हैं वो तुम्हारा समाहार द्वंद्व होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये तीनों के तीनों प्रकार में द्वंद्व समास के अंतर्गत आपको करा चुका था। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो समास आता है जिसे हम आज से पढ़ेंगे वो समास है हमारा तत्पुरुष समास। यह समास इंपॉर्टेंट समास होता है, महत्वपूर्ण समास होता है। इसमें से जो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शब्द दिया जाता है और शब्द का समास विग्रह करवाया जाता है, क्योंकि ये तत्पुरुष जो समास होता है यह समास हमारे कारक जो चिन्ह होते हैं, हमारा कारक जो टॉपिक होता है उस कारक चिन्ह के आधार पर ही होता है। तत्पुरुष समास पूरा की पूरा ये कारक चिन्हों पर डिपेंड करता है, कारक जो होते हैं उनके आधार पर होता है। तत्पुरुष समास जिस प्रकार से हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर हम इस तत्पुरुष समास की विशेषताओं को देखें तो इस तत्पुरुष समास की प्रथम विशेषता तो ये ही है कि इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरे पद की क्या होती है, यहां प्रधानता होती है अर्थात मुख्य होता है। अव्ययीभाव समास में जब मैंने आपको कराया था तो क्या कराया था कि पहला पद प्रधान, कैसा अव्ययी में पहला पद प्रधान कराया था, मैंने दूसरा पद की प्रधानता नहीं बताई थी आपको। दूसरा जो मैंने कराया था द्वंद्व समास उसमें पहले पद की भी प्रधानता बताई गई और दूसरे पद की भी प्रधानता मैंने आपको बताई थी। तीसरा जो समास कराया जा रहा है उसमें पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, वही समास आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अर्थात तत्पुरुष समास में आपका दूसरा जो पद होता है वो दूसरा पद प्रमुख होता है, मुख्य होता है, और कर्मधारय समास और द्विगु समास भी मैंने आपको बताए थे वो पदों के प्रधानता के आधार पर इस तत्पुरुष समास के ही भाग होते हैं। लेकिन हम यहाँ हिंदी विषय के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास
इन दोनों समासों का अलग से अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास के अगर पहचानने के जो नियम होते हैं वो प्रमुख नियम यही होते हैं कि तत्पुरुष समास में दूसरे जो पद होता है उस दूसरे पद की प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता। तत्पुरुष समास में आपका जो दूसरा पद होता है, जिस प्रकार से समास में आपके दो पद होते हैं, उन दो पदों के होने की स्थिति में दूसरा जो पद होता है वो दूसरा पद इसमें प्रमुख होता है। एक अन्य जो विशेषता होती है तत्पुरुष समास की, वो प्रमुख विशेषता होती है अन्य नाम, अर्थात इस समास का एक दूसरा नाम होता है, उसका नाम होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अर्थात तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं वो लुप्त होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते। एक प्रमुख जो विशेषता है, इंपॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी, वो है कारक चिन्हों की प्रधानता। अर्थात जो तत्पुरुष समास होता है उस तत्पुरुष समास में हमारे कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, को से के द्वारा, के लिए, से अलग, काकी के, रारी रे, नानी ने, मैं, पेपर, ये इत्यादि जितने भी होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषता होती है किसमें? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की विशेषता। क्योंकि तत्पुरुष जो समास होता है वो तत्पुरुष समास पूरा की पूरा आपका कारक चिन्हों पर डिपेंड करता है। कारकों के आधार पर छह प्रकार, अगर तत्पुरुष समास के हम प्रकारों की बात करें कारक चिन्हों के आधार पर, एक तत्पुरुष समास के प्रकार अलग भी होते हैं, उनका मैं अलग से अध्ययन कराऊंगा आपके लिए, जिसमें लुप्त कारक चिन्ह वाला होता है, मध्यम रूपी कारक चिन्ह वाले होते हैं, उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन पहले कारकों के आधार पर जो तत्पुरुष समास होता है, वो कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास आपका छह प्रकार का होता है। कारकों के आधार पर जो तत्पुरुष समास छह प्रकार के आपके होते हैं, इन छह प्रकारों के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो हमारे कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं? आठ प्रकार होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में इन आठ कारक चिन्हों का प्रयोग ना करके छह का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता, ने, कर्म, तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो हमारे आठ प्रकार होते हैं कारकों के, इन आठ प्रकारों में से पहला प्रकार कर्ता कारक और एक अंतिम कारक संबोधन कारक, इन दोनों का प्रयोग हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अर्थात तत्पुरुष जो समास होता है उस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों समासों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमारे बचे हुए जो छह समास होते हैं, इन छह समास जो छह प्रकार होते हैं कारक चिन्ह के, इन छह का प्रयोग हमारे तत्पुरुष समास में किया जाता है। विशेष बात यह होती है कि जब हम तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं तो इन कारक चिन्हों का ही सबसे ज्यादा वहां पर प्रयोग किया जाता है, और इन कारक चिन्हों के आधार पर ही उन तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाता है और इन्हीं कारक चिन्हों का वहां प्रयोग किया जाता है। इन कारक चिन्हों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा जो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के आधार पर जो प्रकार होता है वह होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म
तत्पुरुष, जिसका कारक चिन्ह जो होते हैं, ये अपने कारक चिन्ह जो होते हैं को, अर्थात जब कर्म तत्पुरुष जो आता है तो हम उसका जो समास विग्रह करते हैं तो उसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्म तत्पुरुष कारक चिन्ह इसका प्रयोग करेंगे को। दूसरा है करण तत्पुरुष से के द्वारा, अर्थात इसमें जो समास आता है उस समास का विग्रह करने पर, जब उसका विग्रह किया जाता है, समास विग्रह करते हैं तो उससे किसी के द्वारा कार्य के करने की अनुभूति प्राप्त होती है। से के द्वारा, अर्थात या तो से या के द्वारा या फिर द्वारा, इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग समास विग्रह में किया जाता है। संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के लिए इस कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है अपादान कारक तत्पुरुष। अपादान कारक तत्पुरुष में आपका जो कारक चिन्ह आता है वो आता है से, और अलग होने का भाव, अर्थात जो समास शब्द आपके लिए दिया हुआ होता है उस समास शब्द का जब हम समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब उस समास का समास विग्रह करते हैं और से कारक चिन्ह लगाते हैं तो वो से जो कारक चिन्ह होता है वो से कारक चिन्ह हमारे अलग होने के भाव को प्रकट करता है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। इस से जो कारक चिन्ह है इसका प्रयोग यहां भी किया जाता है और यहां भी किया जाता है से कारक चिन्ह का प्रयोग, लेकिन इन दोनों में जो प्रमुख अंतर होता है, क्योंकि यहां पर भी आपका यही कारक चिन्ह है से के द्वारा या द्वारा, और यहां पर भी आपके ये से ही कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आप इसको पहचानने के लिए जब समास विग्रह किया जाता है तो एक अलग होने का भाव यहां पर अगर प्रकट होता है। जैसे एक उदाहरण दें तो एक वाक्य के अकॉर्डिंग उदाहरण दिया जाए, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य में है। अगर जैसे मैंने पिछले उदाहरणों में से बताया था आपको, एक अगर उदाहरण दिया जाए समास में तो पद दलित, पद से दलित, अर्थात जो पद से गिरा हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए पद दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अलग होने के लिए, अपने पद से क्या हुआ वो अलग, ठीक है ना। ऐसे जो शब्द आते हैं तुम्हारे, वो अलग होने का अगर भाव प्रकट हो जाए तो उसमें अपादान तत्पुरुष होता है, और किसी कार्य को करने के लिए अगर से का प्रयोग किया जा रहा है समास विग्रह करने पर तो उसमें करण तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो समास विग्रह करने पर जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो का, की, के, इनका ही तीनों का किया जाता है। रारी रे, नानी ने, इनका अल्प मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो उदाहरण आते हैं वो का, की, के, इन्हीं के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकरण, में और पर, इन दो कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें अधिकरण कारक चिन्ह में किया जाता है, अर्थात जब आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत कोई वाक्य शब्द समास का दिया जाता है तब उसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर ये जो कारक चिन्ह है, छह प्रकार जो कहे कारक के तत्पुरुष के आधार पर, इन छह कारक चिन्हों में से ही आपको प्रयोग करना होता है। इसके आधार पर कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये मैं आपको बता चुका हूं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दो को छोड़कर के जितने भी आपके ये छह प्रकार हैं वो छह प्रकार आपके कारकों के आधार पर जो तत्पुरुष समास होता है उस तत्पुरुष समास के प्रकारों में कराया जाता है।
इसके बाद भी आपका जो कार्य जो तत्पुरुष समास होता है सामान्यतः जो प्रकार माने जाते हैं आपके वो चार प्रकार होते हैं, जो कि कारक चिन्हों को करने के बाद में उनको हम आगे करेंगे, जो सामान्यतः इसके तत्पुरुष समास के चार प्रकार माने जाते हैं। इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास जो है आपका, ये तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर छह प्रकार का हो जाता है और इसकी प्रमुख विशेषता यही होती है, दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, लुप्त कारक चिन्ह इसका अन्य नाम होता है, कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य बात कारक चिन्हों की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसके आधार पर हमारे जो ये छह प्रकार हैं कारकों के, इनका अध्ययन हम पहले कर्म तत्पुरुष समास का हम प्रथम बार पहले अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से ये छह कारक चिन्ह हैं, इन छह कारक चिन्हों का अध्ययन करते हुए इनके उदाहरणों को हम देखेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और आगामी जो क्लास है उस आगामी क्लास में हम पहला जो तत्पुरुष का जो समास है हमारा तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष, इस कर्म तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।